दिन की शुरुआत चाय के बिना अधूरी होती है। सुना है चाय से हर मन्नत पूरी होती है। सो हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप, मजे में? चलिए मैं आपको बता दूं कि राइट नाउ यू वॉचिंग चाय बस्टर। काफी दिनों के बाद जहां होता हर बार कोई ना कोई कमाल, और आज भी होगा धमाल। आज हम एक बार पुनः आपसे सबसे पहले अपने दोनों हाथों को जोड़कर क्षमा मांगते हैं और फिर लिए चलते हैं एक समय यात्रा पर, थोड़ा सा समय में पीछे। फिलहाल समय में 3 महीने पीछे, यानी कि जयपुर के बिरला मंदिर के दर्शन कीजिए, और उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे कम से कम 6 महीने पीछे। ये है जयपुर के सुप्रसिद्ध श्री काले गणेश जी, गणपति बाप्पा मोर्य। गणेश जी के दर्शन करने के पश्चात हमने गणेश भगवान के मंदिर के निकट ही स्थित उनके पिताजी के मंदिर के दर्शन भी किए, जो कि जयपुर का सुप्रसिद्ध ताड़केश्वर महादेव मंदिर है। हम भी अन्य भक्तों की तरह कतारबद्ध हैं और प्रभु के दर्शन करने के लिए उनका इंतज़ार कर रहे हैं। ये खुल गए भगवान के पट, और अब आप भी कीजिए दर्शन। हर हर महादेव। और यहाँ भी स्थित है भगवान गणपति गजानंद की विशालकाय प्रतिमा। दर्शन करके हमने पी है चाय, और अब आपको लिए चलते हैं समय में थोड़ा और पीछे, यानी हालिया रिलीज काश तू गाने की शूट लोकेशन पे, जहाँ इस जबरदस्त तपती गर्मी में आपको ठंडक का एहसास दिलाएंगे हमारे कपड़े, क्योंकि ये शूट हुई थी कड़कती ठंड में। अगर किसी कारणवश आपने ये गाना मिस कर दिया है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल रहा हूँ। इस गाने को अभी जाकर देखें, जिसे गाया है अनुराग मौर्य ने और जिसका निर्देशन किया है जितेंद्र सिंह तंवर ने। इस गाने में मुख्य भूमिका में मेरे साथ है पूजा शर्मा, जो कि एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, और इस गाने में लड़की को छेड़ते हुए नजर आएंगे धाकड़ भाई गुलशाद के साथ, और उनका साथ निभा रहे हैं उनके ही मित्र राजू भाई। लेकिन जहां हीरो की एंट्री हो जाती है, वहां विलन पानी भरते हैं। तो यहां हो चुकी है हीरो की एंट्री, और इधर कुछ मनचले आशिक अकेली लड़की को देखकर छेड़ रहे हैं। लेकिन ये क्या, लड़की उनसे खिलखिलाकर हंसते हुए बात करती नजर आ रही है। शूटिंग देखने का शौक कई लोगों को होता है, लेकिन अक्सर देखा गया है लोग इसे देखते देखते बोर हो जाते हैं। लेकिन जब इसका फाइनल आउटपुट नजर आता है तो वही लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। और लोगों को विस्मित करना जितेंद्र सिंह तंवर, यानी कि इस गाने के जो निर्देशक हैं, उनके बाएं हाथ का खेल है, उनके सुपर विजन की बदौलत। और ये मैं गुंडों को मारने से पहले उन्हें सहलाते हुए। स्माइल स्माइल छेड़ो, कुछ करो, ये करो, जाइए पड़ा जोड़ का, इसको पड़ा, ये रिएक्ट किया, इसको पड़ा, ये देखो गुस्से में करना, बस टाइट माना पड़ेगा ये जो है ना। हाँ, अभी क्या बोल रहा था पता है, ये जो जा रहा था मैं जाओ जा पढ़ो, एक रियल से तुम लोग जाओ, लुक भी दो एक दूसरे को, नहीं ऐसे बॉडी ऐसे नहीं, थोड़ा नेचुरल चलो, ये जाओ ना, ये अकड़ना नहीं है, अकड़ने से नहीं, नॉर्मल लुक थोड़ा सा नॉर्मली, वो थोड़ा ना छेड़ी नहीं, तुम लोग आपस में इंटरेक्शन भी कर रहे हैं, ऐसे नहीं छेड़ी यार, हमने डायरेक्ट छेड़ी है, आओ पूरा कलर कलर रेडी रो, चलो अच्छा अच्छा वेरी नाइस, चलो रोल रोलिंग एक्शन, ये देखो स्माइल, अब जल तेरा डुप्लीकेट मिल गया, और ये देखो किसको पड़ा, ये देखो गुस्से में, इधर देखो कौन है गुस्से में, रोलिंग रोलिंग एक्शन, हां
थोड़ा सा और आगे सही था, देखो थोड़ा सा उधर घुमाओ चेहरे को हल्का सा, थोड़ा और मूड 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 सर नीचे और नजदीक है, नजदीक है, नजदीक में ऐसा थोड़ा क्लोज है, ओके ये है ना, हाँ थोड़ा सा भाई उधर जाना शोल्डर शोल्डर पे, हाँ अभी जो है ना सब लोग इस पर फोकस करो ताकि दिखे ना कोई बंदा आ रहा है, दिखाई नहीं है, आप अगर छेड़ रहे हो कुछ मस्ती कर रहे हो हंसी मजाक कर रहे हो ये कर रहे हो, स्माइल रखो रखो उसी को देखो, ये देखा देखा ये देखो इधर किसी ने मारा, ये देखो तुम्हारे दोस्त तो आखिरकार नील बाबू ने इज्जत बचाई ली और आगे के एपिसोड देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, थैंक यू। यहाँ हमारे डायरेक्टर जीतू भाई को अपना पसंदीदा शॉट मिल चुका है और अब हम रुक करेंगे अंदर का यानी शूटिंग वेन्यू के अंदर, एक्शन आ जाइए, स्माइल हैप्पी मोर हैप्पी। और एक एक करके अब लोकेशंस होती रहेगी चेंज, नहीं पड़ तो रही है लेकिन इसको यहाँ और कर क्या इधर और इसको मिटा के तो आखिर ने नील बाबू ने कार गिफ्ट कर ही दिया है माया को। यह है सिरसी रोड स्थित डेस्टिनेशन ऑफ पिक्चर यानी DOP, जहां अलग अलग लोकेशंस पे आप काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ शूट कर सकते हैं। अब यहां हमने शूटिंग स्पॉट बदल दिया है। भाई गेट बंद कर देना। अब सेंटर से हल्का हल्का खोल दे पर दो वो हल्का हल्का सा हल्का हल्का सा। जबरदस्त ठंडी का मौसम और हमें माहौल को मजाक मस्ती के साथ बैलेंस करना पड़ रहा था। तीन चार डिग्री ठंड में इस नंगी जमीन पर मुझे सिर्फ एक पतली सी कॉटन शर्ट पहना के जीतू भाई ने लेटा रखा है। भगवान ही मालिक है किस जन्म का बदला लिया जा रहा है मुझसे, लेकिन एक बात तय है, इतने पैशन के साथ जो शूट होती है जीतू भाई अपने विजन से कुछ अनोखा और नया ही दर्शकों के सामने हमेशा प्रस्तुत करते हैं। बताना
धूम्रपान और शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए अति हानिकारक है। हम इन किसी भी चीज़ों को किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करते, न बढ़ावा देते हैं। ये फिल्माया जा रहा है रात के 9 बजे, लेकिन इसे दिखाया जा रहा है दिन के शॉट की तरह। और इसका कोई पैटर्न चेंज करो कि फिक्स जगह पे ही लाइट जाए बिल्कुल। इस पे है ना, इनके उधर ग्राउंड पे लाइट नहीं जानी चाहिए, फेस फेस पे आनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ। एक कटर ले और ग्राउंड पे आते हैं ना, बिग कटर से पत्ती आ जाए। अरे गोबो की पत्ती को नहीं है। हां ले जी, थोड़ा ऐसे ही ये सेंस मतलब ऐसा मिरर उधर ये देख रहे हो, मिरर आप देख रहे हो, थोड़ा ऐसे पलटी मार रहे हैं। जयपुर की गर्मी से ज्यादा खतरनाक है जयपुर की ठंडी, सुनिए इसे। भैया जयपुर की गर्मी कैसी है? जयपुर की गर्मी बहुत अच्छी है, इस ठंड से बहुत अच्छी है जयपुर की गर्मी। मुझे तो लगी नहीं। तुम भी मन खा के बैठे हो, तुमको कहां से लगी? बोलो जुबा कैसे। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब वक्त है आधी रात का और बाहर तापमान है 3 डिग्री। मैं बोलूंगा एंट्री के लिए, ठीक है? आप लोग यहाँ एंट्री। चलो पूजा, तुम लोग कुछ बात बात कर रही हो, पूजा कुछ बात बात कर रही हो, कंधे पे हाथ वाथ रखो ना। ये दिन का शॉट है जो हमने बड़ी आसानी से निकाल दिया, लेकिन रात के वक्त हमारी हालत पतली होती चली जा रही थी। लेकिन बावजूद इसके दिन की शूटिंग कितनी सहज तरीके से हमने की वो भी देखें, फिर आपको लिए चलेंगे पुनः रात की तरफ। और एक बार पुनः लेते हैं गुलशाद का ज्ञान, यानी कि GKG। तो भाइयों, ये होता है काम करने का तरीका। ये हंसी मजाक छोड़ो और कोई चीज़ सीखो और सीरियस होकर काम करो सब। मैं यही बोलूँगा, यहाँ पे जब शूट देख रहा हूँ ना, तब समझ में आ रहा है कि फिल्म मेकिंग क्या होता है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। देख रहे हो थोड़ा विकास मिले गाड़ी और अंदर आई। आ जाओ एक बार, आइए। सुनिए, जब टाइम मिले ना रिहर्सल करते रहते, क्योंकि अभी डे लाइट जा रहा है यार। क्या ये सीन डे लाइट में मैच करना जरूरी है, क्योंकि कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी पूरी अच्छी रहेगी। सुनना मेरी बात, ये ट्रैक हटा के फटाफट से ये गाड़ी और अंदर आएगी थोड़ी सी। ट्रैक चाहिए नहीं, ट्रैक का पैटअप अभी के लिए, रात को लगेगा। रात को लगेगा, फटाफट हटा दो। शाम में चाहिए। चाय की चुस्कियाँ लेते हुए दिन से शाम और शाम से कब रात हुई पता नहीं चला, लेकिन अब दुख की बात ये थी कि रात में चाय अवेलेबल नहीं थी। भाई दुम्मा ठाणा आ गए, पानी को ठाणा आ गई, ठाणा को जो हम उठाने वाले हैं। चलो रेडी, ये देखा है, ये ऊपर ना, तो ऊपर चला एक बार गोली। क्या नाम है? इस गाने का सबसे बेहतरीन शॉट आपको दिखाते हैं कैसे फिल्माया गया था। अरे मुझे कांच टूटने पर बहुत आवाज होती है, लेकिन दिल के टूटने पर कोई भी आवाज नहीं होती। अब आइए बिहाइंड द सीन्स के कुछ बोनस शॉट्स आपको दिखाते हैं। इस हड्डियों को कपकपा देने वाली ठंडी में भी सभी डट कर मुकाबला कर रहे थे इस ठंडी का, मेरे सिवा, क्योंकि मुझे ठंड
कुछ ज्यादा ही लगती है। इस गाने में अनुराग मौर्य एक अलग स्वैग और एक अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। हमारी मुख्य कर्म स्थली यानी कि सपनों की नगरी मुंबई में ऐसा मौसम वहां के निवासियों को नसीब नहीं होता और यहां की ठंड का सभी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। नहीं तो इस मौसम में रात के 1:15 बजे इतना एनर्जेटिक शॉट कौन देता है भला। तकरीबन 20 घंटे चली इस शूट को हमें करने में बड़ा मजा आया। जितने तामझाम यहां नजर आ रहे हैं उससे कहीं ज्यादा हमारे इर्द गिर्द थे जो कि कैमरे में रिकॉर्ड ही नहीं हो पाए। 5 जनवरी 8 बजे हम इस काम में लगे थे जो कि 6 जनवरी की 4 बजे तक निरंतर एक टांग पर खड़े रहे। इस गाने में सभी ने अपना बेहतर नहीं बेहतरीन प्रदर्शन करने का अथक प्रयास किया है और इस गाने को आपका भरपूर प्यार भी मिला और ये हमारा आपसे वादा है कि आने वाले दिनों में इससे भी ज़्यादा और भरपूर मनोरंजन हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सो वी आर शूटिंग फॉर अ सॉन्ग जो बहुत जल्दी हम रिवील करेंगे जो अनुराग ने गाया है और इसके डायरेक्टर जो है वो जितेंद्र सिंह तंवर है और मेरे साथ है पूजा तुषार और काफ़ी बड़ी टीम है। चंदन इस गाने के DOP हैं और तहे दिल से जिनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ वो हैं अब हमारे राजू भाई धाकड़ RK और गुलजार। अगर बहुत जल्दी आपको रिवील करेंगे क्या है सारी कहानी सो स्टे ट्यून्ड विद अस। इस BTS में व्लॉग का भी BTS देखें। हेलो नमस्कार कैसे आप मुझे भी चलिए मैं आपको बता दूं कि राइट नाउ यू वाचिंग चाय बस्टर जिसका शुरुआत करना भी हमारे लिए फट के हाथ में आ रही है। काश तू के शूट के दरमियान हर लम्हे को हर पल को हमने जिया और हर पल का लुत्फ उठाया और हमारा 100% देने की पूरी कोशिश की। मजाक मस्ती के साथ साथ ये शूट कब कंप्लीट हुई पता ही नहीं चला। वी आर शूटिंग फॉर काश तू। जयपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस समय बज चुके हैं 10:30। कैसे ओस निकल रही है अनुराग पर मुंह से ओस निकाल के दिखाओ। ये देखिए इसके हाथ में क्या है ये देख लीजिए। ये सब जो कर रहे हो ना मुंह से ओस निकाल। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं ये सब नहीं करता हूँ। जो मुझे नहीं जानते हैं उनको एक्सप्लेन करने की मुझे कोई जरूरत नहीं। एक्शन। तो आखिर ने नील बाबू ने कार गिफ्ट कर ही दिया है माया को। चली जाओ यहाँ से। एक बार मेरी नहीं सुनना मुझे मुझे तुम चली जाओ यहाँ से प्लीज। अरे मुझे काश तू प्यार मेरा समझ पाती।